समझते हैं कि हमें अगर वही सिलसिला हमने बरकरार रखना है, और आप सोचे कि अगर अगर मियाँ साहब वज़ीर आज़म बनता है तो उसका एजेंडा क्या होगा। एजेंडा ये होगा कि मैंने अपने सियासी मुखालिफीन को बंद रखना है, मैंने इंतकामी सियासत जारी रखना है, मैंने तो उन सब से हिसाब लेना है जिन्होंने पता नहीं क्या क्या किया था। वो माजी पे देखते हुए आज को नुकसान पहुंचाएगा, आज के अवाम को नुकसान पहुंचाएगा। खान साहब को खुद या पीटीआई की तरफ से अगर हुकूमत उनको मिला तो आप मुझे बताएं इनका क्या मकसद होगा? अवाम की तरक्की, महंगाई का मुकाबला? खान साहब जब जेल से बाहर था तब भी कहता था कि ये महंगाई तो मेरा इश्यू नहीं है। हम चाहते हैं कि ऐसे हुकूमत बने जो सियासी इंतकाम के बजाय अपने सियासी मुखालिफ के पीछे वो लड़ाई और ज़ातियात की बजाय हम अपना फोकस अवाम के इन मसाइल पे करें। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो इस आई थिंक वी विल नॉट टेक बस ये और